हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममनुआ फंडिंग का फैसला आने के बाद पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने का फैसला किया है। काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग पार्टी साबित हो गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में पीटीआई क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई वाले चीफ इलेक्शन कमीशनर से इस्तीफा मांगने की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा मांगने की बजाय इमरान खान से इस्तीफा मांगना चाहिए, जिसने नाजायज पैसे से अपनी जेबें भरने की खातिर जमात को भेंट चढ़ा दिया है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद मरकजी रहनुमाओं और इंसाफ लायर्स फोरम के वकला के साथ चंद आम कारकुन भी इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा हो गए। नुमाइंदों को पेश की जाने वाली याददाश्त में चीफ इलेक्शन कमीशनर और मेम्बरान से मुस्तफ़ा होने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि एफिडेविट में दिया गया बयान झूठा होता है, सर्टिफिकेट में दिया गया बयान झूठा नहीं होता। बयान हल्फी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया था। मेरा बयान जो इलेक्शन कमीशन में जमा है वो सर्टिफिकेट है, जिसमें मैंने कहा था कि मेरी मालूमात के मुताबिक सब कुछ दुरुस्त है। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला ने सदर चौधरी शुजाउद हुसैन की क्यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। मुस्लिम लीग सिंध के सदर बलोचिस्तान के केपी गिलगित बल्तिस्तान के अहदेदारा ने लाहौर के इजलास से एलान लातालुकी का इजहार किया।